मैं आपको एक आर्टिफिशियल बोन और ओरिजिनल बोन दोनों का एक डिफरेंस बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। माय नेम इज प्रियांशु शर्मा एंड आई एम फाइनली योर मेडिकल स्टूडेंट इन बांग्लादेश। सो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एज यूजुअल। तो आज का जो टॉपिक है ये होने वाला है मेरे जो फर्स्ट ईयर के जो जूनियर्स आने वाले हैं और जो आ चुके हैं उनके लिए। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक 40% आई थिंक स्टूडेंट्स ऑलरेडी बांग्लादेश में आ चुके हैं और कुछ बचे हैं छोटे मोटे, उनके जो वीजा इशू चल रहे हैं कुछ दिल्ली में कुछ। सो बेसिकली आई हर्ड दैट एम्बेसी अभी वीजा इशू नहीं कर रही है तो वो एक प्रॉब्लम चल रही है। आई होप वो भी सॉल्व हो जाएगी और कुछ हद तक अभी हो चुकी है तो कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं रास्ते में। तो सब मिला के आज उन सब के लिए और क्यों है उसका रीजन तो आपको आई होप थंबनेल देख के भी पता लग गया होगा और कुछ जो यहाँ पे बैकग्राउंड में रखे हुए इन चीजों से भी आपको पता लग गया होगा। आज का वीडियो है कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको अपना बोन परचेज करना होता है, खुद का एक बोन का सेट परचेज करना होता है। और बेसिकली उसका रीजन है बिकॉज आप विदाउट बोन आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि एनाटॉमी जब एनाटॉमी आपको पढ़ना है तो विदाउट तो उसमें पूरा एक सिस्टम डिवाइडेड है। फर्स्ट कार्ड होता है वो है जैसे थोरेक्स, तो थोरेक्स में विसरा भी है बोन्स भी है। तो विसरा के जो टॉपिक्स होते हैं तो वो तो ऑब्वियसली कॉलेज में होते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं वो कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ओरिजिनल बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर आप स्टडी करते हो, देन विसरा जो होते हैं वो भी एक फॉर्मेलिन में वहाँ पे होते हैं। उनको आप अपने घर पे अपने रूम में कैरी नहीं कर सकते बिकॉज स्मेल हो जाएगी। बट जो बोन्स होती हैं उनको आप अपने रूम में कैरी कर सकते हो अपने साथ जब भी ट्रेवल कर रहे हो, घर से जब कॉलेज में आ रहे हो, अगर आप हॉस्टल से कॉलेज जा रहे हो तो उनको आप अपने इजीली बैग में कैरी कर सकते हैं। इसलिए आपको बोन का सेट खुद का खरीदना पड़ता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बोन्स कैसी होनी चाहिए और फर्स्ट ईयर के जूनियर को कैसे पता चलेगा कि बोन्स ओरिजिनल है या लोकल है। ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो बोन्स ऑलवेज ओरिजिनल ही यूज होती है, कोई भी आर्टिफिशियल बोन यूज नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको समझाने के लिए कि बोन्स एक ओरिजिनल कैसे होती है, तो देखिए एक ओरिजिनल बोन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको उसको टच करके ही पता लग जाएगा कि वो प्लास्टिक है। एक्चुअली वो फाइबर वाइबर का बना होता है कुछ, तो आपको टच करके ही पता चल जाएगा कि वो बोन ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल है। आप उसको उसका साउंड भी चेक कर सकते हैं। ये जो साउंड है देखो, ये वाला साउंड एक डिफरेंट साउंड करता है और जो वो प्लास्टिक वाला होता है ना वो साउंड ही नहीं करता क्योंकि वो कम्प्लीटली जो है ना वो हार्ड होता है और कंपैरेटिवली वो बोन्स भारी होती हैं। जैसे ये बोन्स हैं इनके अंदर एयर्स होती है, थोड़ी बहुत एयर वैक्यूल्स होती हैं इसमें है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, देखो इसमें स्पेस होता है तो है ना, तो इसकी वजह से हल्की फुल्की एयर होती है बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है इसमें, है ना। हाइवर्सियन सिस्टम होता है, देन इसके अंदर बोन मैरो के लिए स्पेस होता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा वेट कम होता है इनके अंदर। अच्छा, अब मैं आपको एक आर्टिफिशियल बोन और ओरिजिनल बोन दोनों का एक डिफरेंस बता देता हूँ। देखो जो आर्टिफिशियल बोन है वो ऐसी होती है, ये बनाई हुई है, आपको देखने में समझ में आ गई होगी। देखो मैंने जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए आपको ये मैंने रखा हुआ है ना, और ये आर्टिफिशियल बोन है और ये ओरिजिनल बोन है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो आर्टिफिशियल बोन और ओरिजिनल बोन में, राइट। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया जो बोन्स का जो सेट है वो नया खरीदें या पुराना खरीदना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जो नया एकदम फ्रेश सेट होता है उसमें फैट होता है ना, तो जिससे आप ले रहे हो मे बी आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसमें फैट कब है। जब आप खरीदोगे ना तब वो लोग क्या करते हैं, इसमें पाउडर वाउडर लगा देते हैं, ठीक है ना, एंड्स पे अच्छे से पाउडर लगा दिया, अच्छे से स्प्रे कर दिया, तो जब आप देखोगे ना अरे कोई भी स्मेल नहीं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बिकॉज पाउडर लगाया हुआ है ना खुशबू वाला। लेकिन जब इसको आप घर लेके जाओगे तो विद इन 24 आवर्स से ये बहुत गंदी स्मेल करने लग जाएगी क्योंकि जो फैट है वो मेल्ट फैट जो है वो मेल्ट होना शुरू कर देगा और इतनी सारी रिएक्शंस होने लग जाएंगी, एनवायरमेंटल रिएक्शंस होंगी ना, ये पूरा फैट इतना बैड स्मेल देगा कि आप रुक ही नहीं सकते उस रूम में, इवन आप रुक नहीं सकते बिल्कुल उस रूम में। तो इसलिए कभी भी वो फैट कंटेनिंग जो बोन्स है वो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मेरे से भी एक आध बार ऐसी ही गलती हुई है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, तो उसके बाद मैंने भी उन गलतियों से सीखा है कि यार लिटरली वो बोन समझ में ही नहीं आती है। तो बिल्कुल आपको ओल्ड सेट खरीदना है, ये चीज हमेशा याद रखना आप कि ड्राई होना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है ना। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई है कि इसमें फैट नहीं है, देखो इजी इजी प्रोसेस है, ये जो एंड्स हैं ये
इनमें आप एक पंच करके देखिए इधर है ना, और इस तरह से आप नाखून लगा के देखिए, अगर वो नाखून दब जाता है अंदर, नेल का जो एक इम्प्रेशन बन जाता है, तो इसका मतलब वहां पे फैट है और आप उसको वापस कर दीजिए, तो कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा अगली बात, अब आपको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है बोन्स खरीदते टाइम। देखो वो क्या करते हैं, बल्क में एक साथ आपको जितने भी सारे जो है ना वर्टिब्रे हैं अपने बॉडी में, तो एक साथ भर के दे देंगे, ठीक है ना। कैसे दे देंगे, इस तरह से एक थैले में, और देखो मैं आपको एक इस तरह से दिखा देता हूँ पूरा, इसलिए मैंने पहले सेटअप रखा हुआ है पूरा आपको दिखाने समझाने के लिए। इस तरह से पूरा इसमें वर्टिब्री जो है ना, इतने सारे भर के वर्टिब्री है और क्लेविकल है, एक साथ रख के दे दिया, कई समझ में आएगा इस तरह, ये समझ के, ठीक है ना। देखो पहली चीज आपको ये पूछनी है, जो भी देने वाला जो आपके पास आता है, कि भैया मेरे को आप एटलस एक्सिस दिखाओ पहले इसमें। तो देखो एटलस एक्सिस ऐसी होती है, इसमें ये जो एक्सिस है या इसके ऊपर एटलस है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप ना फर्स्ट ईयर में सारी बोन्स नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना, जितनी भी बोन्स होती है सब कुछ नहीं पढ़ोगे आप, कुछ कुछ बोन्स ही पढ़ोगे। तो उसमें से जैसे वर्टिब्री है, 26 वर्टिब्री है, उनमें से आप एटलस एक्सिस पढ़ोगे, ठीक है ना, सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा पढ़ोगे, उसके बाद लंबर टू, लंबर फोर फाइव, वो लंबर फाइव पढ़ोगे, उसके बाद ये जो सैक्रम है, सैक्रम भी पढ़ोगे। एक्चुअली ये सैक्रम, इसको पूरे को सैक्रम कहते हैं, बट ये फ्यूजन होता है वर्टिब्रीज का, तो ये भी सारे वर्टिब्रीज हैं, तो ये वाला पढ़ोगे। तो ये होता है सेम ऐसा है कि अभी जैसे जो रिब्स है अपनी, इतनी सारी रिब्स है, रिब्स का एक बंडल है, तो सब सारी रिब्स नहीं आप नहीं पढ़ोगे इसमें से। इसमें से आप जैसे मैंने अलग रख रखी है इधर, तीन रिब्स मिलनी है, जैसे फर्स्ट रिब है बड़ी छोटी सी होती है, ये देखनी है आपको ध्यान से कि ये अवेलेबल है या नहीं उसमें फर्स्ट रिब, ठीक है ना, अच्छे से देख लो। फिर आ जाती है आपकी सेकंड रिब होनी चाहिए, फिर ये आ जाती है टिपिकल रिब है, ये लंबी सी, ये रिब हो गई, आपको ये वाली देखनी है, ठीक है ना। अच्छा और क्या देखना है, क्या चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट साइड हेड है वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही लेफ्ट साइड हो, दोनों ही राइट साइड हो, है ना, दोनों ऑब्वियसली अलग अलग साइड की होना चाहिए, राइट और लेफ्ट की अलग होनी चाहिए, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। और कभी भी ये जो बेस ऑफ द स्कल, जो ये स्कल जो है आपका, ये जो स्कल है, ये आप कभी भी ऐसे फ्यूज हो, है ना, ये कंप्लीटली फ्यूज है, ऐसी पोजिशन में उसको नहीं लीजिए उससे। अगर कोई ऐसे दे रहा है ना कि ये फ्यूज दे दिया आपको, तो ये वाला मत लीजिए, ये या तो मतलब एटलीस्ट ये सारे, सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि सारी बोन्स अलग होनी चाहिए, सारी बोन्स ही अलग होनी चाहिए। इफ इन केस कोई बोन्स, क्योंकि कोई कोई बोन सेट ऐसा होता है जिसमें क्या है कि ये होता है, तो आप ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप अच्छे से सारी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक बोन जब पढ़ाई जाए तब तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो, साथ वाले की बोन्स में देख सकते हो, लेकिन कंप्लीटली अगर ये फ्यूज है ना, तो ये आपके कुछ काम नहीं आएगा, मतलब थ्रू आउट ये रखा ही रहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। बाकी अगर ये अलग है ना, तो आपको बहुत भी काम आएगा, क्योंकि बेस ऑफ द स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी पढ़ना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा ही जरूर नहीं है कि अलग ही होनी चाहिए, ऐसा होने से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसको, तब 19-20 का जो अंतर कहते हैं हमको वो आता है, बाकी और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस फ्यूज नहीं होना चाहिए वो। अच्छा अब आ जाता है कि बाकी सारी बोन्स ही उसमें मैंने बता दिया, बाकी तो आप जब ये जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स तो सभी अच्छी होती है, बस इतना याद रखना कि ये जो एंड्स जो हैं, ठीक है ना, इनकी जो इम्प्रेशंस हैं, ये ग्रुप कम्प्लीटली विजिबल हो, ठीक है ना, ये सारी ग्रुप्स विजिबल हो, कोई भी इसमें डैमेज पार्ट नहीं होना चाहिए, सारी एकदम अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और सारी बोन्स होनी चाहिए, पहली चीज ये चीज, जैसे स्टर्नम है ये, है ना, स्टर्नम कहीं ऐसा, और ये चीज क्या करते हैं कुछ लोग, स्टर्नम ऐसा ही ऐसा दे देते हैं, ये दिख जा रहा है स्टर्नम है, इसके साथ मेन्यूब्रियम स्टर्नी भी होना चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों होनी चाहिए, ये दोनों, ठीक है ना। और कहाँ करते हैं लोग गलती, स्कल दे देते हैं इसके साथ, ये टेम्पोरल है, ये भी होनी चाहिए साथ में, ठीक है ना, और स्फीनोइड भी होनी चाहिए, स्फीनोइड ना भी हो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो सारा है ओवरऑल मैंने कम्प्लीटली आपको कर ही दिया है। अच्छा हिप बोन होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अरे मेरे को तो पूरा पेल्विक ब्रिम चाहिए, नहीं पूरा पेल्विक ब्रिम की जरूरत नहीं पड़ती, ये जो दो हिप बोन है, ठीक है ना, ये दो हिप बोन ही ऐसी होती है, इसके बीच में ये अपना सैक्रम लग जाता है, ठीक है ना, तो सैक्रम लग के पूरा एक कम्प्लीटली और पेल्विक ब्रिम बना लेता है, ठीक है ना, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, इस तरह से बना लेता है, ठीक है। और हाँ ये मैंडिबल भी होना चाहिए, तो
बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। और अगर आप ढाका में हैं, ढाका के अंदर अगर आपको बोन्स की जरूरत है, तो अगर आपको नहीं मिल रही है और अच्छी क्वालिटी में भी चाहिए, तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मैंने दिया हुआ है, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसी कॉलेज से या फिर कॉलेज के आसपास से वहीं से मैं आपको एडजस्ट करवा सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने अगर एडमिशन करवा लिया, जनवरी फरवरी में क्लासेस शुरू होती हैं, तो अगर आप दिसंबर के अंदर जैसे प्री बुकिंग भी कर देते हो बोन्स की, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपका वो प्री बुकिंग करने से ये फायदा है कि थोड़ी सस्ती मिल सकती है आपको, तो वो प्री बुकिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसका इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और बोन्स की प्री बुकिंग भी करवा सकते हो, ठीक है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बस यही सारे क्वेश्चन कवर कर दिए मैंने। आई होप आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारे जो कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू बोन वो क्लियर हो गए होंगे। तो सारे जो और भी जो कन्फ्यूजन है वो सारे मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में एमबीबीएस इन बांग्लादेश की बारे में जो वीडियोस हैं वहाँ सारी वीडियोस देख सकते हो, और सारे के सारे आपके कन्फ्यूजन है ना वो सब क्लियर हो जाएंगे आई होप, क्योंकि मैंने मोस्टली सारे टॉपिक्स ही क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है, तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स में बताते रहिए, जिससे मैं वो टॉपिक टाइम मिले तो मैं बना दूंगा। ये वाली भी वीडियो मैं काफी दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर शुरू हो चुका है और मुझे मेरे को ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है। वेरी मच, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और चैनल को पूरा देखिए, और वीडियोज को जिनको जरूरत है वीडियो की उनके साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।